तालिबान आए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं, ये चीज हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीजें बड़ी जबरदस्त पॉसिबिलिटी की तरफ चीजें नजर आ रही है कि लेडीज को काम करने की इजाजत, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाजत है, एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है श्रीलंका में, हमें बोल की सिचुएशन ठीक नहीं थी, सीरीज नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद है। हिंदुस्तान जिसकी 1,300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। आजकल आफरीदी साहब का हर तरफ शोर है और आफरीदी साहब का हर तरफ नाम है, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि उन्होंने जिस तरह की उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दी हैं, तो लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बनने वाले। वो जितना भी कोशिश कर लें, जैसे कहते हैं ना पूरा गांव भी मर जाए तो इन्होंने चौधरी नहीं बनना, तो बिल्कुल इसी तरह की बात है कि अगर पूरा गांव भी मर जाए ना तो शाहिद आफरीदी ने चौधरी नहीं बनना। तो इसलिए शाहिद आफरीदी को चाहिए कि थोड़ा स्पोर्ट्स साइड पे ही रहें, स्पोर्ट्स पे ही ध्यान दें और अपनी अब जाहिर है वो क्रिकेट खेलने वाले उससे तो निकल चुके हैं, लेकिन कोचिंग कर सकते हैं, कोई ढंग का काम कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दें, अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में आने दें। उनको तो वो आने नहीं देते, वो तालिबानी जहनीत अपनी यहाँ पे दिखा रहे हैं और दूसरों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि तालिबान के लिए, कि जी नहीं तालिबान ने तो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है उनके यहाँ और वो तो औरतों को भी आगे आने देंगे, वो तो एजुकेशन में भी करने देंगे काम और वो तो सब ये सारी चीज़ें। वैसे आफरीदी साहब आपको बताई किसने, इसलिए कि हमने तो अभी तक कोई सब स्टेटमेंट नहीं सुना और अभी तक हमने तो कोई, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो हम लकी ड्रॉ निकालेंगे और उसमें जिसका भी इनाम निकला तो हम बिल्कुल वो प्राइस आप तक पहुंचाएंगे। ये हम वैसे ही कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी आदत है, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी लंबी लंबी आपको पता है फेंकी जाती हैं, तो मैंने सोचा आज मैं भी इसी तरीके का शो करती हूँ, इसलिए कोई खास न्यूज तो है नहीं। अफगानिस्तान अफगानिस्तान और अफगानिस्तान, बिल्कुल अफगानिस्तान की ही बात करेंगे हम। और सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान, आप समझ सकते हैं इस पिक्चर को देख के कि 1970 में कैसा था, फिर 1996 में कैसा हुआ, फिर 2010 और अब 2021 में जो अफगानिस्तान आज है उसकी ये बिल्कुल एक बड़ी क्लियर पिक्चर आपको इससे पता लगेगी कि कैसी है। और जी ये एक पिक्चर है एक बच्ची की जो कि अफगानिस्तान से बेल्जियम पहुंची है, इस बच्ची की खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब ये छोटी सी बच्ची जो है ये पढ़ लिख भी सकेगी, अपनी मर्जी के ड्रेस भी पहन सकेगी और कोई इसको कोड़े नहीं मारेगा, कोई इसको गोली नहीं मारेगा और कोई इसको धमकियां नहीं देगा कि तुम पढ़ क्यों रही हो या तुमने हिजाब क्यों नहीं लिया या तुम अपनी मर्जी से हंस क्यों रही हो, बोल क्यों रही हो। अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट वही सिचुएशन हम सुन रहे हैं लोगों से जैसी पहले थी वही आज है आज, बल्कि हमारे यहाँ के टीवी पे भी कोई बता रहा था कि वहाँ पे जो ख्वातीन हैं जो लेडीज़ हैं वो बाहर जाते हुए उनको चाहे ना भी कहा गया और डर के मारे वो उसी तरह का हिजाब लेके बाहर जा रही हैं और जो होटल्स हैं या शॉप्स हैं वहाँ पे पहले म्यूजिक चल रहा होता था, लोग गाने सुन रहे होते थे, वो बंद हो गए हैं। एक तरह का खौफ है, एक तरह का लोग डरे सहमे बैठे हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी बात सबसे पहले हम बताते हैं शाहिद आफरीदी साहब की। शाहिद आफरीदी साहब को कौन नहीं जानता, आप सब उनको जानते हैं, हमारे यहाँ के बड़े मशहूर क्रिकेटर रहे हैं और एक ज़माने में उन्होंने अपना टीवी तोड़ दिया था क्योंकि उनकी बेटी बैठकर जो है वो टीवी सीरियल देख रही थी, मतलब इंडियन टीवी सीरियल देख रही थी और ये देखकर शाहिद आफरीदी साहब को जो है वो बड़ा ही गुस्सा चढ़ा और उन्होंने जो है वो टीवी जो था वो उन्होंने शहीद कर दिया, टीवी को मतलब तोड़ दिया टीवी को। और इसके अलावा शाहिद आफरीदी साहब जो है उनके बारे में ये भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि वो अपनी बेटियों को जो है वो बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि वो क्रिकेट खेलें या
वो किसी किस्म के आउटडोर स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने तो बहुत बार कहा है कि जी पाकिस्तान में एक तालिबानी सोच मौजूद है, एक तालिबानी मेंटालिटी पाकिस्तान में बहुत हद तक है और शाहिद आफरीदी उसका चलता फिरता नमूना है। वैसे तो है वो नमूना ही, क्योंकि बहुत टाइम तक यानी काफी सालों तक वो अंडर 19 क्रिकेट खेलते रहे थे और बड़ी मुश्किल से वो 19 से निकल कर और 20 साल के हुए थे, उस 19 साल से 20 साल के बीच में कई साल उन्होंने जो है वो स्ट्रगल किया और बड़ी मुश्किल से वो जो है ना जिसे कहते हैं कि उसको क्रॉस कर पाए, उस 19 से वो 20 साल के हो पाए और उस बीच में जितने भी साल हैं उसमें वो अंडर 19 ही क्रिकेट खेलते रहे। ये बात भी रिकॉर्ड पर है, भाई हम नहीं कहते, जमाना कहता है। तो खैर हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं आफरीदी साहब की। उन्होंने कहा जी तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मेरे ख्याल है तालिबान हॉकी और क्रिकेट दोनों को ही पसंद करते होंगे, इसलिए कि हॉकी और क्रिकेट में हमने देखा है कि अब फिल्मों में हमने देखा है कि हॉकी के स्टिक से और क्रिकेट बैट से जो है मारने में बड़ी आसानी होती है ना दे घुमा के। तो मुझे लगता है कि इसीलिए तालिबान को जो है ना वो क्रिकेट और हॉकी आफरीदी साहब कह रहे हैं तो मान लेते हैं जी बड़ा पसंद होगा, लेकिन वो लेडीज को काम करने देंगे, वो पढ़ाई करने देंगे, वो बाहर निकलने देंगे, ये सारी बातें थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जिस तरह की बातें आप करते हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी आती हैं, जब आप अपनी खुद की बेटियों को कहते हैं कि जी मैं उनको स्पोर्ट्स नहीं खेलने दूंगा, आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, आप उनका टीवी तोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो कोई इंडियन सीरियल देख रही थी, तो ड्रामा सीरियल यानी कोई देख रही थी, तो उसके ऊपर तो मुझे यही लगता है कि आपको बहुत शदीद जरूरत है कि आप भी थोड़े से एजुकेट हो जाएं, तभी जाके आप अपनी बेटियों को भी शायद कोई एजुकेशन दे पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान की एंकर आरजू काजमी बात कर रही थी शाहिद अफरीदी के बयान को लेकर। शाहिद अफरीदी का एक बयान आया है कश्मीर को लेकर, हालांकि आप शाहिद अफरीदी को जानते हैं, शाहिद अफरीदी को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो इस तरीके के इमेच्योर बयान काफ़ी देते रहते हैं और इस तरीके का मतलब इमेच्योरिटी नहीं बोलूँगा मैं इसे, उनकी खुद की थिंकिंग बोलूँगा, जो उनके दिमाग में आता है वही बोलते हैं, जो उनके दिमाग की सच्चाई है वही बोलते हैं। शोएब अख्तर का भी एक बयान आया था गजवा हिंद को, खुराशान बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। खुराशान आपको पता है जो आईएसआई के जिसका मॉडल है खुराशान, मतलब ये अफगानिस्तान के तालिबान से डिफरेंट है, वो शोएब अख्तर, वो आईएसआई वाला शोएब अख्तर है, ये तालिबान वाला है। अब वो शोएब अख्तर हालांकि ये बयान दे नहीं पाएगा, लेकिन वो कभी कभी वो भी जल्दबाजी में सच बोल जाता है, मतलब जो वो अपना झूठा चेहरा है उसके मुंह से सच निकल जाता है जो उसकी असली थिंकिंग है। तो अफरीदी का आपको पता है, अफरीदी की 5 बेटियां, अभी एक नई बेटी को इसकी वाइफ ने जन्म दिया, हालांकि ये मतलब जुगाड़ में था कि बेटा हो जाए, लेकिन अब 5 बार ट्राई मार चुका है, बेटी हुई है, तो आप समझ सकते हो। और इसकी जो स्टेटमेंट है औरतों को लेकर, पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जिससे आप इसकी सोच जाहिर तौर पर समझ सकते हो। और दोस्तों ये मतलब बहुत कॉमन है, ये मतलब जो सोच है उसमें कोई मतलब शौक को होना नहीं चाहिए आपको कि शाहिद अफरीदी ने ये बयान दिया तालिबान को लेकर, शाहिद अफरीदी ने वो बोला, तो ये इनकी कॉमन सोच है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इनके जो इमरान खान है वो भी यही बयान देंगे तो शाहिद अफरीदी भी देगा। हालांकि आपको पता है दोस्तों कि तालिबान किस तरीके की हुकूमत है, और ये बात भी है कि भारत सरकार भी तालिबान से संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भारत सरकार है, भारत सरकार अफगानिस्तान की सरकार से संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, ये नहीं है कि भारत का कोई मतलब आप समझ सकते हो, वो गवर्नमेंट कंट्री टू कंट्री है, यहाँ पर पीपल टू कंट्री का एक लाइकिंग सिस्टम है, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग तालिबान चाहते हैं। हालांकि मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर तालिबान के लोग मतलब डेफिनेटली सत्ता में आए हैं तो उनको गवर्नमेंट के साथ साथ मतलब वहाँ की पब्लिक का भी सपोर्ट रहा होगा, तभी तो, अगर वहाँ की पब्लिक का सपोर्ट नहीं होता तो वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करते, वहाँ की आर्मी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करती। तालिबान अगर 17,000 की कैपेसिटी में थे, वहाँ की 3 करोड़ आबादी थी, अगर वो उन पर रूल कर रहे हैं, अगर उन पर वहाँ पर गवर्नमेंट बनाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की लोकल आवाम भी वही चाहती है। हालांकि पंजशीर वगैरह में थोड़ा बहुत फाइट वैट दिख रहा है, लेकिन वो सब भी आपको भी पता है कि बस वक्त की बात है, वक्त कितना
देर और वो सर्वाइव करेंगे ये आपको पता चल जाएगा आने वाले समय में। तो भारत सरकार ने भी तालिबान से कुछ ना कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की है, जिसका आज कतर में आपने एग्जांपल देखा, पाकिस्तानी मीडिया, भारतीय मीडिया, सब जगह डिस्कशन हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। शाहिद अफरीदी, ये चीज़ें मतलब मीडिया में आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं है, ये इनकी चीज़ें बहुत पहले से आपको पता है। शाहिद अफरीदी KPL के दौरान कश्मीर, ये वो फलाना ठिकाना, ये सब इनका चलता रहता है। ये एक ही पैटर्न, एक ही सिलेबस के लोग हैं, इनकी बातें वही हैं। ऐसे बहुत सारे सोच वाले भारत में भी हैं, बहुत सारे सोच वाले बांग्लादेश में भी, बहुत सारे सोच वाले इस बहुत सारे दुनिया के कोने कोने में हैं। दोस्तों ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए।